हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय स्थल को अपने 8 अजूबों में शामिल किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है स्टैचू ऑफ यूनिटी को। यह स्टैचू ऑफ यूनिटी और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह गुजरात के केवड़िया में स्थित है, गुजरात के केवड़िया में स्थित ये 182 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसको संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 8 अजूबों में शामिल किया है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, और इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में। भारत SCO में कब शामिल हुआ था? तो भारत 2017 में, भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में SCO में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है, और यह किस लिए मनाया जाता है? तो भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे KM करियप्पा, भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे KM करियप्पा, वो 14 जनवरी को रिटायर हुए थे। तो इसीलिए 14 जनवरी को भारत में हर साल सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, और इसमें 100 से अधिक देशों के 700 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और इसमें होगा क्या? तो इसमें मौजूदा वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी, यानी कि वर्तमान में जो दुनिया में हालात हैं और समस्याएं हैं उन पर इसमें चर्चा की जाएगी। रायसीना डायलॉग ये नई दिल्ली में हर साल आयोजित किया जाता है, ये 2016 से नई दिल्ली में हर साल आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने माइकल देवव्रत पात्रा को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया, और इन्होंने बिरल आचार्य का स्थान लिया है। बिरल आचार्य जो कि 6 महीने बाद रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया, तो उन्हीं के स्थान पर, बिरल आचार्य के स्थान पर माइकल देवव्रत पात्रा को डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है, और यह 3 सालों के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, कौन कौन से हैं? NS विश्वनाथन, BP कानूनगो, MK जैन और माइकल देवव्रत पात्रा, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं RBI के वर्तमान में। बात हुई RBI की, तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का मुख्यालय है मुंबई में, और RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि RBI के लिए वित्तीय वर्ष क्या है, RBI का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो आप ध्यान रखिए, RBI का वित्तीय वर्ष होता है जुलाई से जून, बाकी जितने बैंक हैं उनका वित्तीय वर्ष होता है अप्रैल से मार्च, बाकी जितने बैंक हैं उनका वित्तीय वर्ष होता है अप्रैल से मार्च, लेकिन RBI का वित्तीय वर्ष होता है जुलाई से जून, तो ये आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, इसरो फ्रेंच गुयाना से Ariane 5 प्रक्षेपण यान के जरिए किस उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन है GSAT-30 को। तो इसरो फ्रेंच गुयाना से Ariane 5 प्रक्षेपण यान के जरिए GSAT-30 उपग्रह को लॉन्च करेगा, और ये भारत का एक संचार उपग्रह है। बात हुई इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में, और इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है के सिवन, के सिवन। इसरो की स्थापना किसने की थी? तो विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। अगला मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब जीता केंटो मोमोटा ने, यह है केंटो मोमोटा, और ये जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और ये वर्तमान में दुनिया के नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो केंटो मोमोटा ये जापान के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने फाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हराकर मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब जीत लिया है। ने अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर की सूची से हटा दिया है? तो स्कैंजोप्रेंसी चीन को। अमेरिका ने अगस्त 2019 में चीन को आधिकारिक तौर पर मनी मैनिपुलेटर यानी कि मुद्रा से छेड़छाड़ करने वाला देश घोषित किया था, लेकिन अब इसने चीन को अपनी इस सूची से हटा दिया है। बात हुई चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी, और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। अगला प्रश्न, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की छठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की है अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द्वीप विकास एजेंसी यानी कि आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की छठी बैठक की अध्यक्षता की है, और यह बैठक हुई कहाँ पर थी? तो ये बैठक नई दिल्ली में हुई थी। दोस्तों अब बात करते हैं कल के प्रश्नों की। तो कल मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर था 84वां स्थान। पहला स्थान किसे मिला था? पहला स्थान मिला था जापान को। और दूसरा प्रश्न था 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी किसने जीती? तो इसका सही आंसर था लद्दाख ने। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।